लॉकडाउन में वाड़ी का बेदी परिवार बांट रहा है गरीबों को खाना। लॉकडाउन के कारण खाने के लिए गरीब लोग मोहताज हो रहे हैं। वाड़ी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट क्षेत्र होने से यहां पर सैकड़ों कामगार लोग आज भूखे हैं। इन्हें खाना खिलाने के लिए वाड़ी का पूनम बेदी परिवार बीते 9 दिनों से गरीबों को पुलिस स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर भोजन दान कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर बेदी परिवार अपने घर से खाना पकाकर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का सामाजिक काम कर रहे हैं। अब लॉकडाउन बढ़ने से अब और गरीबों को खाने की समस्या सामने आ सकती है। सरकार के सामने गरीबों को खाना खिलाना बड़ी समस्या होगी, लेकिन बेदी परिवार लोगों को खाना देने का प्रयास कर रहे हैं। पूनम बेदी ने कहा कि गरीब कोई भूखा न सोए, यही हमारा प्रयास है। सभी परिवार इस काम में लगे हैं। पूनम बेदी वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने शिव शक्ति नगर से बोल रही हूँ। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, ज़्यादा रईस नहीं हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोगों को हमारे सहयोगी जितने भी मित्र हैं, बच्चों के मित्र हैं या हमारे पहचान वाले हैं, वो हमको अन्न प्रदान करते हैं, नमक मिर्च मसाला जो भी हो। हम उन्हीं चावलों से लोगों को, जैसे भूखे हैं लोग, कहीं लोग ड्राइवर लोग हैं, कहीं छत्तीसगढ़ की या बाहर की यूपी की या आंध्रा की लेबर है, उन लोगों को जितने भी चावल 15 किलो 20 किलो चावल का वितरण होता है, हम डेली 9 दिन से, पिछले 9 दिन से वही चावल बनाकर उन लोगों को दोपहर के टाइम पे 11:30-12 बजे यहाँ पहुँचते हैं। और जब तक के हमारा वह चावल ख़त्म नहीं होता, तब तक के हम चावल वितरण करके अपने घर की तरफ वापसी जाते हैं। और बाकी जिन लोगों को भी अगर दान देना हो, वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने पूनम बेदी के घर में आके अपना जो भी सहयोग करना चाहें सहयोग कर सकते हैं। और हमारे से जितनी हमारी मेहनत होंगी, हम अपनी मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के दोस्त हैं, ये सब मिलजुल के उसका साथ देते हैं और उसकी सहायता, हमारी सहायता करते हैं। इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही अपील करती हूँ कि आपके आसपास कोई भी भूखा है या कोई भी प्यासा है, आप अपनी तरफ से मदद नहीं कर सकते तो किसी पड़ोसी से 2 किलो चावल लेके बना के उनको खिलाने की कोशिश कीजिए। इससे सिवा मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की